तो हाय गाइस, कैसे हो? हाइक सब बढ़िया, उनका थ्रिल फाइनली गाइस आ चुके हैं पैडी सुपरस्टार रैम्पेज स्टार डैनी प्रवास की कल की 2890 के कोने एपिसोड में वापस। भाई रैम्पेज मोड आज फिर आ चुका है एंड अगेन हमें एक बड़ा दिन है वो देखने को मिलेगा और कई सारे रिकॉर्ड्स अगेन भाई क्रिएट करते हुए दिखाई दे रही है कल की 2890 और आज गाइस ऐसा पहली बार हुआ है कि साउथ के पिक्चर मतलब ऐसा कमाल भाई उसने कभी किया ही नहीं था जो भी कल की 2890 ने गाइस वो करके दिखाया है। दिस इज फिनोमिनल और उनको तो भाई कुछ नहीं दिख रहा है, भाई कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब आंखें उन्होंने क्लोज कर दी हैं। एंड कल की नाम की कोई पिक्चर रिलीज हुई थी क्या भाई पीछे कोई 10-11 दिन पहले रिलीज? यार मुझे याद नहीं है कोई होगी, कोई पता नहीं। ऐसे थिएटर भरे भरे जा रहे हैं एंड थोड़ा हम सुन भी रहे हैं भाई चल रहा है। बुक माई शो में थोड़ा थोड़ा हमें ओरिज दिखाई देता है बट जब हम टाइटल पढ़ने की कोशिश करते हैं, रीड करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं कि हम रीड कर देते हैं और आगे हमें कुछ भाई दिखाई नहीं देता है। ये इतना बड़ा बड़ा जंप, ये अपोजिशन में हम सुन रहे हैं, फेसबुक ओपन करते हैं कि भाई दिखाई देते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं भाई दिखाई देते हैं, बट पता नहीं क्यों जब ट्विटर ओपन करते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता भाई कुछ। सडनली भाई सब कुछ गायब हो जाता है, मतलब कि ब्लर हो जाता है। ये भाई कुछ नया जादू है भाई आ भी हमें देखने को मिल रहा है पिछले 7-8 दिन के अंदर हो गया। नाउ गाइस थोड़ा रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग की बात करते हैं। सबसे पहले कल की ना गाइस सैटरडे की बात करें तो 727 के टिकट से गाइस वो सोल्ड आउट करवाए हैं, 7,27,000 सिर्फ बुक माई शो के प्लेटफॉर्म में, ठीक। एंड अब तक की बात करें सेकेंड हाफ सैटरडे तो हाईएस्ट टिकट सोल्ड आउट करवाने वाले पिक्चर बन चुके गाइस कल की 2890 और ये एक नया रिकॉर्ड है। हाँ जब से बुक माई शो ये ट्रेंड दिखा रहा है तो तब तक ये बात कर रहे हैं, मतलब 23 स्टार्टिंग से कुछ भाई इन्होंने ये ट्रेंड दिखाना स्टार्ट कर दिया था एंड तब से लेके अब तक जितनी मूवी रिलीज हुई है एंड सेकंड हाफ सैटरडे कल की ने ये रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया है। सेकंड गाइस एनिमल है 642 के, देख लो गैप देख लो मेरे भाई कितना ज़्यादा है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं गदर 2 की, भाई 612 के था। नेक्स्ट जवान 576 के, नेक्स्ट हाँ सलार हो गई 268 के था, बाकी छोड़ो फिलहाल नीचे आप लिस्ट बाकी छोड़ो। एंड कल के दिन एक और रिकॉर्ड गाइस क्रिएट किया था, 60 मिनट्स में सबसे ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट, ऑलमोस्ट 47,000-48,000 के आसपास थे और ये एक नया रिकॉर्ड है। आज तक कोई भी पिक्चर जब से बुक माई शो भाई ट्रेंड दिखा रहा है कि सैटरडे में लास्ट 60 मिनट से, सेकेंड हाफ सैटरडे की बात कर रहे हैं, 48,000 के आसपास टिकट से गाइस वो सोल्ड आउट करवाना, जो कि गाइस कल की ने ऐसा करके दिखाया। देख लो भाई ये कई सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रही है, पता नहीं क्यों भाई जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि नहीं दिख रहा है कुछ भी, अंधे हो चुके हैं भाई। नाउ टोटल ऑफ कितने टिकट्स है गाइस, आज सुबह तक बिक चुके थे 97,62,470 टिकट सिर्फ बुक माई शो के प्लेटफॉर्म में सोल्ड आउट है गाइस वो हो चुके थे। एंड हम जब से बुक माई शो गाइस ये ट्रेंड दिखा रहे हैं तब से अब तक की बात करें तो साउथ की हाईएस्ट टिकट्स सोल्ड आउट करवाने वाले पिक्चर है कल की 2890 AD। लियो ओवरटेक कर दिया, जो बड़ी मूवी रिलीज हुई है जब से बुक माई शो ट्रेंड दिखा रहा है, एक लियो थी एंड मेरे ख्याल में एक सलार थी और एक जेलर थी एंड सभी को भाई ये ओवरटेक वो कर चुकी है, मतलब कई सारे रिकॉर्ड्स है गाइस वो क्रिएट कर रही है। और आज की बात करें तो अभी सुबह 7 से लेकर 8 बजे 8,000 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट हुए, कल सेम टाइमिंग भाई 9,000 से ज़्यादा, वो भाई ट्रेंड थोड़ा कम रहा जो क्या है, संडे आज ज़्यादा देखने को मिलना चाहिए था। नेक्स्ट 8 से लेकर 9 आज 20,360 टिकटें बिकी और कल 17,000, मतलब कि आज ज़्यादा है। नेक्स्ट 9 से लेकर 10 आज 34,910, कल ऑलमोस्ट 28,000, मतलब कि ज़्यादा है। नेक्स्ट 10 से लेकर 11 45,490 प्लस टिकट्स हमें सोल्ड आउट देखने को मिली एंड कल भाई 36,000 थी, मतलब कि ज़्यादा है। 11 से लेकर 12 49,440 टिकट्स और कल भाई 40,000, मतलब कि अभी रैम्पेज मोड है गाइस वो बुक माई शो में देखा जा रहा है। पब्लिक गाइस मूव टू थिएटर एंड आप हैदराबाद के भाई थोड़ा बुक माई शो ओपन कर दो मेरे भाई, आपके पास भी है ये बुक माई शो, देख लो तेलुगु वर्जन देख लो हैदराबाद में ओपन करके, हिंदी वर्जन देख लो, बाकी चेन्नई वाली साइड में आप हिंदी वर्जन भी देखोगे ना बड़े 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 शोज जा रहे हैं, आपको ऑरेंज दिखाई देगा, तमिल वर्जन ऑरेंज दिखाई देगा, हिंदी आप छोड़ो ये पुणे मुंबई हो गया बेंगलुरु सिटी में आप हिंदी शोज देखोगे भाई फुल जा रहे हैं। एंड बुक माई शो में गाइस टोटल ऑफ अब 1 करोड़ से ज्यादा टिकट्स गाइस वो सोल्ड आउट हो चुके हैं,
बुक माई शो के प्लेटफॉर्म में 1 करोड़ से ज़्यादा टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। एंड जब से भाई बुक माई शो ट्रेंड दिखा रहा है, ये साउथ की भाई पहली पिक्चर है भाई जिसने ये अचीवमेंट किया कि 1 करोड़ से ज़्यादा गाइस टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट करवाए हैं। एंड अब तक की बात करें टोटल ऑफ ऑल ओवर इंडिया की, तो गाइस ये सेकेंड पिक्चर जिसने 1 करोड़ से भाई ज़्यादा टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट करवाए हैं बुक माई शो से। अभी 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा भाई जवान के सोल्ड आउट हुए। एंड सेकेंड पोजिशन है गाइस ये है कल की 2898 AD। ये तो गाइस डोमेस्टिक रहा भाई, अभी लगे हाथ ओवरसीज का भी देख लेते हैं। प्रीत्यांगिरा सिनेमा गाइस उन्होंने ऑफिशियली पोस्टर शेयर किया है 15.5 मिलियन प्लस यहां पे नॉर्थ अमेरिका में अब तक बिजनेस है गाइस बहुत चुका है 15.5 मिलियन प्लस यूएस डॉलर। दिस इज अ बिग नंबर मेरे भाई। एंड क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। एंड अब तक की बात करें किसी इंडियन मूवी की नॉर्थ अमेरिका में, तो भाई थर्ड हाईएस्ट कलेक्शन करने वाले पिक्चर है। नंबर 1 पे बाहुबली 2, सेकंड पोजीशन पे पठान, एंड अब थर्ड पोजीशन पे आ चुकी है कल की 2898 AD। और लास्ट 24 आवर्स में भाई 3 मूवीज को ओवरटेक कर दिया है। 15 मिलियन एनिमल का था, ओवरटेक कर दिया। 15.23 मिलियन जवान का था, लाइफ टाइम ओवरटेक कर दिया। एंड 15.33 मिलियन था भाई ट्रिपल आर का, लाइफ टाइम बिजनेस नॉर्थ अमेरिका में ओवरटेक कर दिया मेरे भाई। एंड यहाँ पे भाई किसने पोस्ट किया इसके बारे में? नहीं किया भाई, क्यों करेंगे, मतलब थर्ड हाईएस्ट है। एंड 15 मिलियन से ज़्यादा की बात करें अब तक की साउथ की किसी एक्टर की, तो गाइज वो सिर्फ 15, हाँ अब नहीं टॉप 2 की बात करें हाईएस्ट क्वेश्चन की, तो गाइज वो प्रवास की है भाई, 2, एक बाहुबली 2 और एक कल की, मतलब वो बंदा यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। एंड नहीं पोस्ट करेगा भी कैसे मेरे भाई कोई, अभी चटनी के नशे में मेरे भाई सभी। अब मूव करते हैं कि आज के दिन भाई क्या नंबर है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या हमें ऑक्युपेंसी है गाइस वो देखने को मिल रही है। तेलुगु 2D वर्जन की बात करें तो कल भाई 30% ऑक्युपेंसी थी मॉर्निंग की, और आज भाई 54, मतलब कि 80-90% हमें जंप है गाइस वो देखने को मिल रहा है। और हाँ आज के दिन मेरे भाई ये ओवरऑल जंप नहीं रहेगा। मूव करते हैं सिटी भाई, हैदराबाद में 512 शोज में 66%, मतलब कि मैक्सिमम शोज मॉर्निंग के गाइस भरे भाई। बेंगलुरु 260 में 36, चेन्नई 44 में 65, विजयवाड़ा 90 में ऑलमोस्ट 32, वरंगल में 34 में 60, गंटू 21 में 52, विशाखापत्तनम 109 में ऑलमोस्ट 56 से भाई ज्यादा ऑक्युपेंसी वो देखने को मिल रही है, मतलब फिनोमिनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की, हिंदी में मेरे भाई यहाँ पे भी डबल जंप है 21, और आज गाइस ऑलमोस्ट यहाँ पे 35 के आसपास हमें ऑक्युपेंसी देखने को मिल रही है। ओ भाई यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 80-90% भाई जंप है वो देखने को मिल रहा है कंपैरिजन टू सैटरडे सिर्फ मॉर्निंग ऑक्युपेंसी। एंड सिटी भाई देख लेते हैं, मुंबई में 504 शो में 33%, काफ़ी बढ़िया। दिल्ली एम्स में 567 में 30%, पुणे 201 में 52, कल भी भाई 50 से ज़्यादा ही थी। नेक्स्ट बेंगलुरु 145 में 66, भाई 60 से ज़्यादा ऑक्युपेंसी बेंगलुरु सिटी में हमें देखने को मिल रही है, वो भी हिंदी वर्जन में। हैदराबाद में 33 में 27, कोलकाता 190 में ऑलमोस्ट 33 के आसपास ऑक्युपेंसी वो देखने को मिल रही है। देखो आपको मॉर्निंग शोज में 80 से ज़्यादा जंप है वो देखने को मिल रहा होगा कंपैरिजन टू सैटरडे, बट मेरे भाई ये ओवरऑल नहीं रहेगा आज का दिन, बिकॉज ऑफ कल है भाई वर्किंग डे और आज नाइट के शोज हैं वो ड्रॉप होंगे। देखो आफ्टरनून की ऑक्युपेंसी कंपैरिजन टू सैटरडे ऑलमोस्ट हमें थोड़ा जंप है गाइस वो देखने को मिलेगा, जो कि इवनिंग की ऑक्युपेंसी कंपैरिजन टू सैटरडे ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी, जो कि नाइट की ऑक्युपेंसी कंपैरिजन टू सैटरडे हमें गाइस अच्छा खासा ड्रॉप है वो देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल आप ये पकड़ लो, जैसे अभी मॉर्निंग की ऑक्युपेंसी हमें सैटरडे अच्छा खासा जंप है गाइस वो देखने को मिल रहा है 70-80%, और यही ऑक्युपेंसी गाइस नाइट की टू सैटरडे हमें मतलब 60-70 के आसपास ड्रॉप है वो देखने को मिलेगी सीधा सैटरडे के साथ, तो इतना बड़ा जंप है गाइस वो नहीं होगा। हिंदी का जो गाइस मैंने आपको बताया था कि शायद 22 करोड़ के आसपास आज के दिन आ सकते हैं, जो कि ऑल ऑफ लैंग्वेज का गाइस कहीं ना कहीं हम 40 करोड़ के आसपास पकड़ते हैं, बट ये इतना इजी है वो नहीं होगा, बट ये कल की है, कल भी गाइस हमें सरप्राइज दिया तो मैं भी गाइस आज भी हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। और एक चीज गाइस और भी, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ से भाई ज्यादा टिकट्स है वो बुक माई शो में सोल्ड आउट है गाइस वो हो चुके हैं, जो कि एनिमल के 99 लाख टिकट्स है वो टोटल बुक माई शो में सोल्ड आउट हुए थे लाइफ टाइम में। एंड बिजनेस कितना था 920 करोड़ वर्ल्ड वाइड में, एंड 555 करोड़ टोटल ऑफ डोमेस्टिक नेट था। भाई इन लोगों को कम से कम ये तो देखना चाहिए कि भाई टिकट्स 1 करोड़ से ज़्यादा बिक चुके हैं, जो कि जो यहाँ पे लाइफ टाइम बिजनेस किया था एनिमल ने वो अभी कल की भाई उसके क्लोज में नहीं आई है, ठीक है उसके क्लोज में नहीं आई है, वो टिकट्स ज़्यादा सोल्ड आउट हो चुके हैं। हाँ मुझे ही पता है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी भाई ज़्यादा टिकट था वो बुक माई शो से ही सोल्ड आउट करवाते होंगे, शायद कल की ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट हुए, बट फिर भी गाइस एक एग्जांपल तो पकड़ सकते हैं, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स टिकट्स गाइस वो बुक माई शो में हमें सोल्ड आउट है वो देखने को मिलते हैं। हैं भाई इनको कुछ नहीं दिख रहा है,
वो सभी को पता है भाई, अब तो एक्सपोज हो चुके हैं, अब तो भाई पता खुल चुका है। हिंदी में भाई हमें डबल जंप देखने को मिल रहा है फ्राइडे टू सैटरडे, मतलब एक पोस्ट तक नहीं की है, एक पोस्ट भाई कर लेते कम से कम कि भाई इतना बड़ा जंप, अनदर पिक्चर को 50-60% हमें जंप देखने को मिल रहा है, तो आप बोलते हैं कि दिस इज़ अ फिनोमिनल। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट भाई 100% के बिल्कुल क्लोज है, हमें यहाँ पे कोई भाई ऐसा वर्ड है वो देखने को नहीं मिला भाई। अब भाई सबसे पहले इन पे भाई बिलीव कौन करता है? चलो हमें पता तो चल गया कि अभी के टाइम पे कि अगर कोई एक्टर या फिर कोई डायरेक्टर या फिर कोई भाई प्रोड्यूसर लॉलीपॉप देगा तो गाइस ये उनके होंगी, एंड अगर वो भाई लॉलीपॉप नहीं देगा तो गाइस वो पिक्चर घटिया होगी, चाहे जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना हो। मैंने कल पोस्ट देखा था अमिताभ बच्चन जी का, कल का है या फिर परसों का है, कुछ उन्होंने लिखा था कि नॉलेज की दुकान, नॉलेज इसमें आपको ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी शायद हम सभी को पता भी नहीं होगी। अभी मैंने कल ही बताया था आप सभी को, मैंने एक रिव्यू देखा था किसी का, वो अश्वधामा को अश्वगंधा बोल रहे हैं, मतलब उनको पता ही नहीं है कि अश्वधामा कौन है। भाई आप इंडिया में रहते हो और आपको अश्वधामा का पता नहीं है, शायद उनमें से ये भी एक हो सकते हैं। कल लो चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।